Ajay Kumar Sameer is a well-known artist based in New Delhi. He has completed BFA in painting from the College of Art, Delhi. His artworks are also part of the collection at the National Gallery of Modern Art, Delhi, and Sahitya Kala Parishad, Delhi. Ajay Kumar Sameer is known for showing the devotional as well as spiritual interconnectedness of humans with the divine. His works are immersed with the figurative representations of humans as well as different facets of human expressions. He uses the shades of black, gray, white, and pixelated faces to highlight facial expressions. There is a certain sense of serenity in his figurative paintings that allows the spectators to amalgamate oneself with the higher power. Sameer is also known to connect with poets and translate their works into artworks with his understanding and perception of their work. While using the methodology of modernist art, Sameer constantly tries to preserve the relics of the traditions and rituals. His artworks have hugely been impacted by the Indian folklore and Buddhist tradition. There is a certain sense of Indianness reflected in his paintings. It portrays his belief systems as well as his identity as an Indian, which is deeply connected to Hindu ethnicities and cultures. Sameer's work has been admired by Satish Gujral, and Sameer too has adored the master's work during his learning days, both as an artist as well as hailed him as his inspiration for most of his works. While talking about Sameer's works, Gujral says, "There are a few whose creativity dares to walk on the edge and be able to preserve the link with the past and yet endow their work with an individual character, which to my mind is the only hallmark of modernity." One such artist is Ajay Kumar Sameer. His works are fluent and admirably competent. At the same time, there is an unmistakable stamp of Indianness. Hello friends, मैं अजय समीर आर्टिस्ट हूँ दिल्ली से। मैंने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से कंप्लीट की और उसके बाद से मैं लगातार अपने काम में बिजी हूँ और अभी फ्रीलांस आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी कला यात्रा में ड्राइंग्स का बड़ा अहम रोल है, लाइंस का बड़ा अहम रोल है। जब हम छोटे थे तो हम जो दीवारों पर लाइनें लगाते थे और उन लाइनों को करते करते आप जवान हुए और लाइनें भी आपके साथ साथ मैच्योर होती हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है। तो उन्हीं लाइंस को फॉलो करते करते मैं आर्ट कॉलेज तक गया, वहाँ पे एडमिशन हो गया और हमेशा सुनने में देखने में मुझे यही आता था कि ड्राइंग बड़ा बेस है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए अपनी स्केचिंग को, अपनी ड्राइंग को। तो मेरा फेवरेट जो मीडियम था वो पेन, पेंसिल, इस तरह के जो जिनसे मैं ड्राइंग्स किया करता था वो रहे हमेशा। तो ड्राइंग का जो एक जो लव था वो शुरू से रहा पेरेंटिंग के साथ, क्योंकि एक ज़माने में आपके पास जब मटेरियल नहीं होता तो पेन पेंसिल बड़ा इजीली अवेलेबल होता है, तो ये भी एक बड़ा बेसिक सा कारण था और आप उस पर काम करते रहे। और जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे लगा अपने प्रोफेसर्स को देख के या सीनियर्स को देख के कि आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो आपकी एक आइडेंटिटी को और आपको रिप्रेजेंट करे। और मैं जब मैं फर्स्ट ईयर में ही था तो मैंने अपना पहला जो मेरा वर्क था मैंने वो अराउंड 6 फीट का एक ड्राइंग बनाया था, क्योंकि मैं देख रहा था ड्राइंग में काम तो बहुत होता है, ब्लैक एंड वाइट और पेन वर्क में और पेंसिल में, चारकोल में काम तो बहुत हो रहे थे, लेकिन उनका जो साइज था वो हमेशा छोटा रहता था। या मैं देखता था कि ड्राइंग्स में एक्सपेरिमेंट बहुत कम हो रहे थे, और अभी भी जनरली अब अगर हम देखें तो ड्राइंग में काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं वैसे और एक्सपेरिमेंट, लेकिन फिर भी और जो मीडियम्स हैं उनकी तरफ से देखें तो वो काफ़ी कम रहता है। तो बहरहाल वो ड्राइंग्स मेरी चलती रहीं और उसमें मैंने काफ़ी काम किया। और जो मेरी ड्राइंग की जहाँ तक बात है तो जो मैं अपनी ड्राइंग को डिफाइन करता हूँ कि जो मेरा ड्राइंग का ट्रीटमेंट है वो पेंटिंग वाला है। जैसे पेंटिंग में हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं, तो मेरा जो टेक्निक है, जो मेरा काम करने का टेक्निक है वो लेयर बाय लेयर चलता है। जैसे हम पेंटिंग में करते हैं, ऑयल में करते हैं या एक्रेलिक में करते हैं या वाटर कलर में करते हैं, एक टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन, इस तरीके से मेरा ड्राइंग डेवलप होता है। और यही एक मेरी खास बात है कि उसमें
उसमें लेयर्स होती हैं, और दूसरी चीज़ उसमें जो टेक्सचर्स हैं, जैसे हम पेंटिंग में टेक्सचर देते हैं, तो मेरी ड्राइंग को अगर आप देखें ध्यान से तो उसमें टेक्सचर्स मिलेंगे आपको। टेक्सचर का बड़ा अहम रोल है, वो इंटरकनेक्टेड है, हर फॉर्म्स मुझे इंटरकनेक्टेड लगती है, चाहे वो नेचर की हो, चाहे वो ह्यूमंस, और आप किसी भी चीज़ को आपको रिलेट करें तो वो इंटरकनेक्टेड होती है। तो मेरी जो ड्राइंग्स हैं उसमें जो टेक्सचर्स आते हैं वो एक दूसरे को बांधते हैं, पूरे फॉर्म्स को बांधते हैं। तो टेक्सचर वो हैंडमेड है, क्योंकि पेनिंग से आप काम कर रहे हो, उसमें कोई आप टेक्सचर क्रिएट नहीं कर रहे वैसे, उसमें आप टेक्सचर्स को ड्रॉ कर रहे हो, टेक्सचर आप बना रहे हो, तो इस तरीके से टेक्सचर्स आते हैं। जहाँ तक मेरे सब्जेक्ट्स की बात है, तो सब्जेक्ट मैं जो लेता हूँ सब्जेक्ट को सोशल सब्जेक्ट्स होते हैं, और उसमें जो फॉर्म्स होती हैं बेसिकली वो मैं स्पिरिचुअल और आध्यात्म से कुछ अपनी सिंबॉलिकल काम करता हूँ, तो वहाँ से मैं अपनी फॉर्म्स को उठाता हूँ। और ज़्यादातर मेरे जो काम हैं वो लव एंड पीस पे, हारमोनी पे बेस्ड होते हैं। मैं कोई भी बात करूँ उसमें अल्टीमेटली वो लव पे आके और पीस पे आके वो उसका कंक्लूजन होता है, और अपनी बात को कहने का जो मेरा तरीका है वो चाहे मैं किसी भी तरीके से करूँ वो पीस और लव को लेके, हारमोनी को लेके ज़्यादातर मेरे सब्जेक्ट रहते हैं, और उसमें फिलॉसफी और पोइट्री का बड़ा योगदान है मेरे काम में। तो पोइट्री क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है, और कभी कभी करने का मौका मिलता है मुझे, जब मैं लिखने का मन करता है तो कभी कभी बीच में लिखते भी। तो एक पोइटिक एक काम मेरा आता है जो पोइट्री की तरह से वो डेवलप होता है। तो और उसमें एक खास बात जो मेरी ड्राइंग के टेक्निक के विषय में अगर मैं कहूँ तो उसमें जैसे मैंने बताया उसमें रेंडरिंग है सारी, और टेक्सचर हैंडमेड हैं। और एक चीज़ और बड़ी ख़ास है कि जो मेरी ड्राइंग्स में जो लाइट एंड शेडो का आप प्ले देखेंगे उसमें, मैं जैसे हम वाटर कलर्स में करते हैं हाईलाइट पेपर वाइट छोड़ देते हैं, तो इसी तरीके से मैं ड्राइंग में भी उसको वाटर कलर, क्योंकि मैंने एक ज़माने में काफ़ी किया, लैंडस्केप बहुत बनाता था मैं, तो वो जो हाईलाइट देने का तरीका था वाटर कलर में वो मेरी ड्राइंग में भी देखने को मिलता है। उसमें वाइट पेपर वाइट छोड़ देते हैं हम, और वो हाईलाइट और ड्रामेटिक लाइट को मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, कि वो जैसे ड्रामा में होता है कि कहीं भी आपकी लाइट आप किसी तरीके से दे सकते हो, लेफ्ट से आ सकती है पैरेलली दूसरे फेस पे, राइट से आ सकती है, तो लाइट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है मेरी ड्राइंग्स में। और क्योंकि मैं इनलाइटमेंट की बात करता हूँ तो वो इनलाइटमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो इस प्रोसेस के थ्रू मैं उसको अच्छे से दिखा भी पाता हूँ, कि वो जब जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट होता है वो इनलाइटेड होता है तो वो दिखता है कि वो इनलाइटेड है, क्योंकि उसमें लाइट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और इसके साथ साथ एक कुछ सालों से मैं 3-4 सालों से मेरी ड्राइंग में एक कलर मैंने इंट्रोड्यूस किया, रेड कलर को मैं कहीं कहीं इस्तेमाल करता हूँ। रेड बड़ा स्ट्रॉन्ग कलर है मेरे लिए, बड़ा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, लाल का बड़ा महत्व भी है, और आप अगर देखें तो हमारे, क्योंकि मेरी पेंटिंग भी अध्यात्म से जुड़ी हुई है, मेरे जो फॉर्म्स हैं वो वहीं से आती हैं, तो कलर भी फिर वहीं से आया, वो रेड कलर भी वहीं से आया, उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है वो, चाहे आप उसमें रेड कलर का, चाहे आप किसी देवी के कपड़े देखें, चाहे तिलक देखें, आप रेड का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हमारे यहाँ। तो रेड कलर मेरी ड्राइंग को न सिर्फ जो वो स्पिरिचुअल हैं और जो सब्जेक्टिवली वो स्ट्रांग बनाती हैं, बल्कि जो मेरा जो मेन सब्जेक्ट होता है उसको, उसके साथ मैं उसको अप्लाई करता हूँ, जो मेरा मेन फिगर है और जो भी ऑब्जेक्ट जो मैं ड्राइंग में करता हूँ उसको इन्हेंस करता है वो, और उसको और इम्पोर्टेंस देता है। तो रेड बेसिकली जैसे पेपर वाइट होता है, तो मैं कुछ जगह में पेपर को रेड कर देता हूँ, हालांकि उसके ऊपर भी पेन वर्क होता है, तो मेरे लिए वो एक पेपर का काम करता है बेसिकली, पेपर कलर की तरह है रेड, बट उसके अपने मायने भी हैं कि वो मेरे काम को के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ जाता है वो, और ब्लैक के साथ जब रेड आता है तो वो एक कॉम्बिनेशन भी बहुत गहरा बनता है उनका, ब्लैक एंड वाइट और
ब्लैक और वाइट के बीच में जो तमाम शेड्स हैं ग्रे के वाइट तक, तो वो उसको इंटरेस्टिंग कर देते हैं रेड लगाने से, और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है काम। तो ड्राइंग की जो मेरी टेक्निक है वो इस तरीके से है। ज़्यादातर सब्जेक्ट मेरे फिलोसफी से आते हैं, और कुछ कुछ मैंने पोइट्रीज पे भी कुछ काम किए, और वाटर कलर स्टार्टिंग से करता रहा, और अभी मैं ड्राइंग में काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने काम को करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।